بعد ربك أليف أن أليف دوسرا آپ کو جاننا چاہیے کہ میم ادھر دیکھیے میم اس طرح بھی لکھا جاتا ہے تو آپ بھی لکھ لیجیے اور اس کے بعد یہ کیا ہے چہرہ میں نیچے اتارتا ہوں
आप लोग जरा ध्यान देंगे और मुझे बताएंगे कि ये क्या है. जल्दी बोलिए अलिफ. जल्दी बोलिए अलिफ. और ये मीम. सिर्फ मीम का चेहरा पता हो गया. आगे देखिए, आगे देखिए ये क्या है. अलिफ अलिफ. ध्यान दीजिए ये क्या है. अलिफ असल में. ध्यान दीजिए ये क्या है. लाम. ध्यान दीजिए ये क्या है. काफ. ये देखिए सबका चेहरा हम नीचे ऊपर. अब हम क्या करेंगे. मिला थोड़ा काम करेंगे तो पता है पहला हम क्या है. अलिफ. दूसरा मीम. और ये अलिफ. और ये मीम. और ये अलिफ. अब क्या हो गया. मीम. मीम अलिफ. मीम मुश्किल हो. मुश्किल है. ध्यान दीजिए आपको जानना चाहिए ये जो हिस्सा है ना ये मीम का है और ये अलिफ का है और बीच में ये कनेक्टर है ये हमने मिला है. अब आपको अब किताब में अलिफ की दो शक्ल आपको मिलेगा. एक अलिफ जब मुफ़रद यानी अलग हो तो बिल्कुल इसी शक्ल में और ये अलिफ को जब मिले हुए हालत में देखेंगे ना तो जरा इस शक्ल में देखें. आगे ध्यान दीजिए क्या है. लाम. अब क्या होगा. लाम अलिफ. लाम अलिफ. लाम अलिफ. और इस अलिफ को जरा देखिए इस तरह भी लिखा जाता है तो ये भी लाम. और लाम अलिफ को इस शक्ल में भी लिखा जाता है तो ये भी लाम अलिफ. इसका मतलब ये निकला कि लाम अलिफ की तीन शक्ल कुरान पाक में अक्सर ये इस्तेमाल ये काम है. आई बस समझे. लाम अलिफ. लाम अलिफ. ये भी लाम अलिफ. ये भी लाम अलिफ. ये क्या है. काफ. और ये काफ अलिफ. क्या हो गया. काफ अलिफ. आई बस समझे. ये हमने सबको मिला है. ध्यान दीजिए अब ब्लैक बोर्ड की तरफ और गौर से आप देखिए. और गौर से बहुत अहम चीज है. ध्यान दीजिए ये क्या है. अलिफ. और ये मीम. और ये लाम. और ये भी लाम. और ये मीम. और ये लाम. और ये भी लाम. और ये मीम. जरा गौर कीजिए आपको हमने ये चार हुरूफ सीखे. क्या चारों यहाँ है. उस काफ को हम नीचे उतारते. सबसे पहले आपको समझना ये जो काफ का ये हिस्सा जायद है ये असल हो है. इस असल को भी हम यहाँ से काटेंगे दो टुकड़ा. ये किसका टुकड़ा है. काफ. और वो किसका टुकड़ा. काफ टुकड़ा है ना काफ का. उस टुकड़े को हम लाभ के साथ मिलाएंगे तो लाभ हो जाएगा काफ. आई बात समझ. ये बात समझ में. और उस टुकड़े को अगर हम हटा देते तो फिर हो जाएगा. और उस टुकड़े को यहाँ लगाएंगे तो. और ये क्या है. और इस टुकड़े को मिलाएंगे तो. आई बात समझ. आप बोलेंगे अलिफ. अलिफ. उसके बाद मीम. लाम. काफ. मीम. लाम. काफ. मीम. आई बात समझ. इसी तरीके से हम कुरान भी पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे. जरा कुरान भी पढ़ेंगे. जरा कुरान पढ़ के जरा मुझे बताइए. इधर देखिए. इधर देखिए. इधर देखिए. ये क्या है. अलीफ. जल्दी बोलिए. अलीफ. आओ जल्दी बोलिए. अलीफ. और ये लाम. ठीक है बोलिए. लाम. और ये मीम. ठीक है बोलिए. मीम. इसमें कितना हुर्फ है. मीम. पहला को जल्दी और बाकी दो को खींच लो. पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे. अलिफ. अलिफ. उसके बाद लाम. उसके बाद मीम. पहला अलिफ. दूसरा लाम. तीसरा मीम. अलिफ. 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 लाम. मीम.
इंशाल्लाह इसी तरीके से आपने अगर हर रोज एक एक घंटा क्लास में आके और घर में अपने मौका निकाल कर बार बार अगर मश करेंगे और जो सबक मैं आपको किताब से दूंगा उसको भी मश करना, जो होगा तो दूंगा उसको भी मश करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको भी आता बहुत जल्द कुरान पढ़ने की तो इंशाल्लाह।